सब्सक्राइब करें जुम्मा किचन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुम्मा किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड रेसिपी जिसका नाम है पाये। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बड़े के पाये, मटन के पाये की रेसिपीज हमारे चैनल पर पहले से अपलोड है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो बड़े के जो पाये होते हैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं और ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी होते हैं, सेहत के हिसाब से ये बहुत ज्यादा फायदा करते हैं। तो जिन लोगों को घुटनों में तकलीफ हो, हड्डियों में तकलीफ हो, वो लोग अगर ये पाये खाते हैं या इनका सूप पीते हैं तो उससे इंशाल्लाह उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। तो ये चार मैंने बड़े के पाये लिए हैं, ये चार पाये हैं और दिल्ली में पाये ये बिल्कुल साफ सुथरे बिना बालों के अच्छे से तैयार हुए हुए मिलते हैं। उसके बाद भी मैंने इनको बहुत अच्छे से साफ पानी से धो दिया था। फिर उसके बाद एक पतीले में गर्म पानी लेके उसको गैस पे रख के मैंने इनको 2 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था और फिर उनको ठंडे पानी से धो लिया है। तो देख सकते हैं आप, ये एकदम साफ हो चुके हैं और इनको अब हम बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने में मैं डालूंगी कुछ खड़े गर्म मसाले, एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 काली इलायची और 8 मैंने ये लौंगे ली हैं। उसके अलावा 1/2 टीस्पून हल्दी ली है और 2 टीस्पून मैंने नमक लिया है। तो ये पाये हम बॉईल करेंगे प्रेशर कुकर में, आप चाहें तो फिर किसी भगोने वगैरह में भी बॉईल कर सकते हैं। तो प्रेशर कुकर में हमने पाये डाल दिए हैं, अब डालेंगे इसमें नमक। ये नमक सिर्फ पायों के लिए है, ग्रेवी के लिए नहीं है, ग्रेवी हम अलग से तैयार करेंगे। और साथ में डाल देते हैं ये हल्दी और ये खड़े गर्म मसाले और अब डालेंगे इसमें पानी। तकरीबन 1.5 लीटर मैंने पानी इसमें डाल दिया है। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के पहले मैं मीडियम फ्लेम पर 1 सीटी लूंगी, फिर लो फ्लेम पर मैं 30 से 40 मिनट तक इनको पकने दूंगी या फिर जब तक कि ये अच्छे से गल नहीं जाते। अगर आप भगोने में बना रहे हैं तो पानी थोड़ा सा ज्यादा डालिएगा और 1.5 से 2 घंटे कम से कम इनको पकाइएगा। और वैसे भी पायों के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितनी देर में गलते हैं। अगर ज्यादा बड़े साइज के हैं तो टाइम ज्यादा लेंगे और अगर छोटे हैं तो थोड़ी जल्दी ही गल जाते हैं। तो मैं 40 मिनट बाद चेक करूंगी कि हमारे पायों का क्या हाल है। तो जब तक हमारे पाये गल रहे हैं हम कुछ और तैयारी कर लेते हैं। तो भगोने के अंदर हमने डाला है 1.5 कप ऑयल। ऑयल आप अपनी पसंद से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और ये हमने काटी है 3 प्याज बहुत बारीक। तो प्याज को हम एकदम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। उसके अलावा 2 प्याज और हमने लिए हैं, यानी टोटल 5 प्याज लिए हैं। 2 प्याज जो लिए हैं हमने उनका हमने फाइन पेस्ट बना लिया। तो इसको हम गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। प्याज हमारे देखिए कितने अच्छे गोल्डन फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको एक बोल में निकाल लेते हैं और जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे हम इनको क्रश कर देंगे। आप चाहें तो हाथ से क्रश कर लें, आप चाहें तो मिक्सी में कर लें। पाये हमारे अच्छे से गल गए हैं, ये देखिए आप। अब हम बाकी की आपको चीजें दिखाते हैं कि हमें पायों की जो ग्रेवी बनानी है उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। तो ग्रेवी के लिए हमने सबसे पहले ये 2 प्याज ली है जिसका हमने पेस्ट बना लिया है। 3 प्याज हमने गोल्डन फ्राई करके उसको भी क्रश कर लिया है। दही हमने ली है 250 ग्राम और मसालों में मैंने लिया है ये 5 टीस्पून धनिया पाउडर, 3 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक, क्योंकि हल्दी और नमक हम पहले ही पाये बॉईल करने में डाल चुके हैं। और 2 टेबलस्पून मैंने लिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और गार्निशिंग के लिए हमने लिया है 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया, जूलियंस पर कटी हुई अदरक, हरी मिर्च और नींबू। और खड़े गरम मसाले हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। उसके अलावा हमने ली है ये 5 से 6 हरी इलायची और 1/2 टीस्पून काली मिर्च। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं पायों के लिए ग्रेवी। ये वही ऑयल है जिसके अंदर हमने अपनी प्याज को फ्राई किया था। तो अब इसमें डाल रहे हैं हम अपने गरम मसाले और कुछ सेकंड इनको फ्राई होने देते हैं। अब हम डालेंगे इसमें प्याज और साथ ही में हम डाल देंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि इनका कलर थोड़ा गोल्डन नहीं हो जाता है। प्याज देखिए हमारी अच्छे से पक गई है और इसका कलर भी चेंज होने लगा है। अब हम डालेंगे इसके अंदर अपने सूखे मसाले। तो फ्लेम पहले मैं अपनी लो कर देती हूँ और इसमें डालती हूँ पहले धनिया पाउडर। कुछ लोग
जो पायो की ग्रेवी होती है उसके अंदर प्याज बहुत कम डालते हैं, तो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं और धनिया भी आपकी मर्जी है। मिक्स कर लेती हूँ और 2 मिनट ये ऐसे ही भून लेती हूँ। थोड़ा सा इसमें मैं पानी भी डालूंगी अगर जरूरत पड़ेगी तो। तो इसमें 1-2 बार हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मसाले को बहुत अच्छे से भून लेंगे। 1 टेबल स्पून पानी डालते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे ताकि मसाले का जो बिल्कुल कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और जो पाये हैं वैसे उसके अंदर मिर्च और नमक थोड़ा कम ही डलता है और ऑयल भी, क्योंकि पाये जो है वो वैसे ही इतने टेस्टी होते हैं कि बहुत ज़्यादा चटपटे ये अच्छे नहीं लगते हैं। देखिए मसाला कितना अच्छा सा भुन गया है हमारा, 5 से 7 मिनट हो गए हैं हम इसी पानी डाल डाल के भूनते हुए। तो अब हम डालेंगे इसमें अपनी ये फ्राइड अनियन जो कि हमने क्रश करके रखी हुई है, इसको भी मिक्स कर लेते हैं। और अब हम डालेंगे इसी के साथ दही ताकि हमारा जो दही है वो भी अच्छे से पक जाए। दही को मैंने हल्का सा फेंट लिया है। कुछ लोग दही की जगह टमाटर भी डालते हैं, तो आपकी मर्जी है, आप चाहे तो टमाटर पीस के या बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं दही की जगह। लेकिन दिल्ली में जो भी पाए बनाए जाते हैं उसमें टमाटर नहीं डाले जाते, उसमें दही डालती है। इसको अच्छे से भून लेती हूँ मैं। तो देखिए हमारा मसाला कितना अच्छा बेहतरीन दानेदार हो गया है, ये देखिए आप, और इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो ये अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने पाए जो के अच्छे से गले हुए एक साइड में रखे हुए हैं। पायों में मैंने पानी कम डाला था क्योंकि मैंने प्रेशर कुकर में गलाए थे। अगर आप पतीले में गलाते हैं तो उसमें पानी ज्यादा डाल सकते हैं, लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा पानी डालती पायों के अंदर तो प्रेशर कुकर में से वो उबलता और सारी हमारी जो यखनी है वो बाहर निकल जाती, इसलिए मैंने थोड़ा कम ही डाला था। और इसमें से मैं बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा बाहर निकाल लूँगी, वो इसमें नहीं डालूंगी। तो 2 मिनट हम मसाले में पायों को भून लेते हैं जो कि बहुत अच्छे से गले हुए हैं। देखिए पाए हमारे 2 मिनट भुन गए हैं। अब जो भी हमारी यखनी बची थी पायों की वो हम इसमें डाल देते हैं। क्योंकि हमारा स्टॉक कम था या यखनी कम थी, तो अब हम डालेंगे इसके अंदर पानी। तो पानी को मैंने अच्छे से उबाल लिया है और ये काफी गर्म है, तो गर्म ही पानी डालिएगा आप भी, वरना अगर आप ठंडा डालेंगे और फिर पकाएंगे तो पाये घुलने का डर रहेगा। तो पानी थोड़ा सा ज्यादा ही जाएगा क्योंकि पायों की जो ग्रेवी होती है वो थोड़ी पतली ही होती है, वैसे आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। मैं भी अभी चेक करती हूँ। देखिए मैंने सारा पानी डाल दिया है और इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए आप। इसको थोड़ा पतला ही रखते हैं क्योंकि इसमें जो लोआब होता है या फिर आप कह सकते हैं जो लेस होता है उसकी वजह से ये बाद में बहुत ज़्यादा ठीक हो जाता है और जो कि अच्छा नहीं लगता। तो अब ये बिल्कुल ठीक है इसकी कंसिस्टेंसी। अब मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ पिसा हुआ गर्म मसाला। और मैं इसको कवर करके 2 मिनट के लिए दम पे छोड़ देती हूँ बिल्कुल लो फ्लेम पर। फिर मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके या फिर डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो तैयार हैं हमारे पाए। इन्हें गार्निश करते हैं हम थोड़ी सी अदरक के साथ, हरी मिर्च आपकी पसंद के हिसाब से और थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया। और तैयार हो गए हैं हमारे पाए। तो एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।